टिहरी को राजशाही के अन्याय से आजादी दिलाने वाले अमर शहीद श्रीदेव सुमन की 84 दिन की ऐतिहासिक भूख हड़ताल को आज लोग भूल चुके हैं। आलम यह है कि श्रीदेव सुमन के नाम पर हुई घोषणाएं सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं बनकर रह गई हैं। ये घोषणाएं धरातल पर नहीं उतर पाई। टिहरी जिले के बमुनपट्टी के गाँव जौर में श्रीदेव सुमन का जन्म 25 मई 1916 को हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद जब वो टिहरी पहुंचे तो राजशाही के अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने लोगों को लामबंद करना शुरू कर दिया। टिहरी को राजशाही से आजादी दिलाने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक 84 दिनों तक भूख हड़ताल भी की और अपने प्राणों को त्याग दिया। सुमन के नाम पर हर वर्ष कई घोषणाएं होती हैं, जिसमें उनके पैतृक मकान को संग्रहालय बनाने, सुमन स्मारक और सड़क बनाना भी शामिल था, लेकिन वो घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हो पाई। आज भी टिहरी जेल के पास ही श्रीदेव सुमन की मूर्ति और उनकी बेड़िया रखी हुई है और सुमन दिवस के अवसर पर टिहरी जेल को आम पब्लिक के लिए 10 बजे से 4 बजे तक खोला जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते टिहरी जेल बंद है। सुमन के नाम पर हुई घोषणाओं के पूरा न होने पर डीएम का कहना है कि इस संबंध में बातचीत की जाएगी और देखा जाएगा कि आखिर घोषणाएं क्यों पूरी नहीं हो पाई। गुडुनी है और मैं श्रीदेव सुमन जी का भतीजा हूं और यहां पर जहां तक बात है, नेता लोग तो आते हैं, हर उसमें शहादत दिवस में भी आते हैं और उनके जन्म दिवस पर भी आते हैं। घोषणाएँ तो बहुत हो रखी हैं। यहाँ पे संग्रहालय बनने का था, उनका जो पैतृक घर है उसके लिए जो है संग्रहालय की कोई घोषणा हो रखी थी, तो उसमें भी कुछ नहीं है अभी तक। और यहाँ भी सौंदर्यकरण के उसका पार्क बनने का था और सड़क की दशा आप देख ही रहे हो और पार्क की जगह या यहाँ पे जो है मतलब जैसे शासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आप लोग देख रहे हो, हम स्वयं ही यहाँ पे झाड़ियाँ काट रहे हैं हम लोग, है ना। तो इस तरीके से तो कुछ भी नहीं है उसमें, मतलब खाली घोषणाओं ही तक सीमित है सब कुछ। उसमें देखिए, नई टिहरी में हम हर साल इसको जो श्रीदेव सुमन जी की शहादत तिथि है, इस वर्ष कोविड के चलते इसमें जो नॉर्मल जो भी गतिविधियाँ होती थी इसमें कि आम पब्लिक के लिए खोला जाता था और आम पब्लिक को भी इन्वाइट किया जाता था, परंतु कोविड के चलते इसमें ये सभी कार्यक्रम स्थगित रखे गए हैं और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से आज माल्यार्पण हुआ है और वृक्षारोपण किया है। वही सुमन की 67वीं पुण्यतिथि पर जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने जिला कारागार नई टिहरी पहुंचकर जेल में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद जिलाधिकारी ने कारागार परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए पौधरोपण भी किया। संवाद 365 के लिए टिहरी से वाचस्पति रयाल के साथ बलवंत रावत की रिपोर्ट।